आप भी अगर अपने 10th या फिर 12th के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर साइंस में आपको अबव 95 स्कोर करने हैं तो ये वीडियो यार आप ही के लिए है। अब थंबनेल में मैंने टॉपर्स एडवाइस इसीलिए लिखा क्योंकि मेरे खुद के 10th में 95.80% तो 12th में 88.93% है। सो हे एवरीवन, वेलकम, आई एम दिनेश। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप भी अपने साइंस के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कैसे अबव 95 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यार आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि मैं 10th में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। जैसे कि सपोज मैंने आपको 5वीं या 6ठी कक्षा का कोई क्वेश्चन पूछा तो आप फटाक से उसका आंसर दे दोगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें आपकी हो चुकी है। लेकिन वही आप जब अपने 5th या 6th क्लास में थे और तब आपसे अगर कोई पूछता उसमें से आपके स्टडी में से कोई क्वेश्चन, तब आपके लिए वो सारी चीजें तब के लिए कठिन थी। क्यों? क्योंकि तब वो सारी चीजें आपके लिए नई थी। वही एग्जैक्ट आपका 10th भी है, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि ये हार्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए नई है। पर जैसे आप 10th पास करोगे, 11th 12th पास करोगे, तब आपको लगेगा कि यार 10th भी बहुत इजी था और इसमें अच्छा स्कोर मैं कर सकता था। तो इसीलिए यार ये भ्रम पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं 10th में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर अबव 90 तो आराम से कर सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो। और दूसरी बात यार, आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आपको अगर कम नंबर भी मिलते हैं, मतलब आउट ऑफ 100 आपको 60 70 80 भी मिलते हैं, तो भी यार डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्स पेपर आपके टीचर हार्ड निकालते हैं जानबूझ के ताकि आप ज्यादा ऊपर ना उड़ो, है ना। तो इसलिए मतलब इसमें आपको अगर 60 या 80 के बीच में आउट ऑफ 100 आते हैं तो डेफिनेटली आप 95 तो आराम से स्कोर कर सकते हो। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छा यार, और 10th के पेपर काफी इजी होते हैं, तो खुद पे विश्वास रखो और अपनी प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि कैसे हम साइंस में अबव 95 स्कोर करें। तो सबसे पहली बात, रीड योर टेक्स्ट बुक थोरोली, मतलब आपका जो कुछ भी सिलेबस की आपकी टेक्स्ट बुक्स है उन्हें आप अच्छे से पढ़े। आपका एक चैप्टर पूरे साल के अंत तक 2 से 3 बार कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़कर समझकर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यार अगर आपके दिमाग में कोई भ्रम है कि मुझे ये नोट्स यूज करने चाहिए या किसी कोई गाइड बुक या डाइजेस्ट यूज करनी चाहिए, तो कोई जरूरत नहीं है यार। आप अगर बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए आपका टेक्स्ट बुक सफिशियंट है। आप अगर उससे भी अच्छी तरह से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप अबव 95 स्कोर कर सकते हो। गाइड बुक्स या नोट्स आप केवल क्वेश्चन आंसर देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए या फिर कह लो कि पूरी प्रिपरेशन के लिए ही आपका टेक्स्ट बुक सफिशियंट है, उसे ही आपको थरोली रीड करना है। अब दूसरी चीज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि पिछले साल के जो सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। कितने सॉल्व करने चाहिए? तो देखो यार, ऑन एन एवरेज आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो सॉल्व करने ही चाहिए। अब एक दो कम ज्यादा आपके हो सकते हैं, एक आधा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 5 तो आपको करने ही चाहिए। अब जब आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तब आपको करना है इन क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस। अब इसमें आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन पेपर में आपको देखना है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। अब इतने क्वेश्चन आए उसमें से भी आपको देखना है कि किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, कौन से चैप्टर्स में से आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स आए और कौन से टॉपिक में से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आए, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आपको एनालिसिस करना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन उसमें से रिपीट हो रहे, ठीक है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं हर साल या साल दो साल बाद रिपीट होते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको एनालिसिस करना है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तब, ठीक है। और अब जब ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे, अब देखो इसके लिए भी पेपर प्रेजेंटेशन की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिए। आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे पेपर को प्रेजेंट किया जाता है कि जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा। अब आपने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, आप अपने टीचर्स से जाकर स्कूल में चेक करवा लेंगे। अब ये सॉल्व करने के बाद जो कुछ आपकी मिस्टेक्स हुई है उन मिस्टेक्स को आप प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और आगे आप जब भी क्वेश्चन पेपर अटेंड करेंगे तो ये मिस्टेक ना हो, इनका प्रॉपर से ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि हर बार यार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर दे दिया, आप जो भी स्कोर आए भूल जाओ, लेकिन नहीं, जो आपकी मिस्टेक्स आती है ना वो मिस्टेक को आप जरूर याद रखना और उन्हें एनालाइज करके आगे ऐसी मिस्टेक ना हो इसके लिए
ट्राई करना, ठीक है। अब थर्ड इम्पोर्टेंट चीज रिवीजन। तो रिवीजन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी का अपना अपना अलग तरीका होगा रिवीजन करने का, लेकिन मेरे हिसाब से तो बेस्ट है एक हफ्ते बाद जो कुछ आपने एक हफ्ते में पढ़ा संडे के दिन उसे रिवाइज करना पूरा, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े उतने ही, ठीक है। आप हर कोई का अलग हो सकता है, दो हफ्ते बाद तीन हफ्ते बाद भी रिवीजन कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे, लेकिन रिवीजन बहुत बहुत ज़रूरी है, आपको ये ज़रूर मतलब करनी चाहिए, तभी आप साइंस में आगे टिक पाओगे, ठीक है। अब इसके लिए आप जब भी स्टडी करोगे ना, तो जब सपोज आपने एक पैराग्राफ रीड किया तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट आप ये नहीं हाईलाइट करना, तो आप पूरी एक मतलब एक लाइन इंपॉर्टेंट है तो आप पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है तो उसे हाईलाइट नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उन वर्ड्स को आप हाईलाइट करोगे, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम वो पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको वो जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स है उतना ही पढ़ना है, और आपसे खुद से पूछना है कि ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या होता है, मैंने इसको क्यों पढ़ा, इसका रिलेशन क्या है दूसरी चीजों के साथ, तो ये आप खुद से रिवाइज करने की कोशिश करोगे, तो ये बहुत अच्छा तरीका है रिविजन करने का स्पेशली फॉर साइंस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज टू जंबल स्टडी या फिर मिक्स स्टडी, मतलब आपको पूरे दिन कोई एक ही सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप एक दिन में आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जो कुछ पढ़ रहे हो, तो एक आधा घंटा दूसरा मैथ्स ले लीजिए, एक आधा घंटा साइंस, एक आधा घंटा इंग्लिश, तो यार एक ही सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं पढ़ना है, आपको हर थोड़ी देर के बाद एक आधे घंटे के बाद जैसा आपको लगता हो आपको सब्जेक्ट चेंज करने चाहिए, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका माइंड भी हर सब्जेक्ट के बाद रिचार्ज होता है, चार्ज होता है, क्योंकि कुछ नई चीजें आएंगी तो आपका माइंड फ्रेश होता है और अगेन एक्टिव होता है, रिचार्ज होता है। तो ऐसे आप स्टडी करोगे तो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, ये हर सब्जेक्ट के लिए लागू होता है, साइंस के लिए भी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। अब साइंस के प्रिपरेशन के लिए बहुत इफेक्टिव तरीका होता है खुद के नोट्स बनाना, ठीक है, और नोट्स भी आपको शॉर्ट में बनाने हैं, जिससे कि आपका जो इससे होता क्या है कि आपकी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी होती है, किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होती है अगर आप खुद के नोट खुद से बनाते हो तो, साइंस के लिए स्पेशली। तो इसमें आपको दो तरह के नोट्स बनाने चाहिए, पहला तो फार्मूला और दूसरा थ्योरी। तो फार्मूले में आप क्या करोगे कि जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आगे आगे, तो जो कुछ फार्मूले आएंगे वो सारे आप इस लिस्ट में या उस शीट में लगा दोगे जिसमें आपने फार्मूले लिख रखे या लिखने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे जो जो फॉर्मूले है सारे आप उस पर लिखते जाओगे, एट द एंड आपके पास एक पूरी लिस्ट होगी सारे फॉर्मूलों की। अब जब भी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जाओगे तो फार्मूला लिस्ट साथ में रखोगे, पिछले जो फॉर्मूले सारे 5 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे अगेन पूरे फॉर्मूले आपको 5 मिनट में रिवाइज कर लेने हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आपका रिविजन भी हो जाएगा, फॉर्मूले की लिस्ट भी आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। अब सेकंड थ्योरी, आपको थ्योरी के नोट्स कैसे बनाने। अब देखो फॉर्मूले नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं, थ्योरी के नोट्स जब आपका चैप्टर वो पूरा पूरा पढ़ के हो जाए, पूरा आपको समझ में आ जाए, तब आपको वो थ्योरी के नोट्स बनाने। अब ये नोट्स बनाते हुए आपको यूज करना है कॉन्सेप्ट ट्री डायग्राम या फिर जिसे कॉन्सेप्ट मैप कहा जाता है वो। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि सपोज आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है, तो अब ये जनरली सभी के लिए होता है इसलिए मैंने लिया ग्रेविटेशन चैप्टर, तो आप बीच में लिखोगे ग्रेविटेशन, उसको बॉक्स में डालोगे या कुछ ऐसा है ना बना दोगे आप, तो वो ग्रेविटेशन के बाद एक एरो दिखा के आप लिखोगे ऊपर ग्रेविटेशनल एनर्जी या पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके फॉर्मूलाज लिखोगे। दूसरा एरो इधर निकालोगे कि न्यूटन्स लॉ F=gm1m2/r² और उसके कुछ यूजेस एप्लीकेशन लिखोगे। नेक्स्ट एरो दिखाओगे केपलर्स लॉ 3 लॉज है, तो ये पूरा आपका एक चैप्टर में क्या है और क्या पढ़ना है पूरा एक कॉन्सेप्ट मैप आपका हो जाएगा। तो जब भी आप रिवाइज करोगे फिर ये आपके नोट्स बनाने का तरीका है, मतलब एक चैप्टर के आपको ऐसे ढेरों नोट्स नहीं बनाने, 4-5 पेजेस के सिर्फ एक या दो पेजेस पे ऐसे कॉन्सेप्ट मैप बनाने हैं, ठीक है। तो बहुत इफेक्टिवली और कम टाइम में आपका हो जाएगा, तो अगली बार आप जब रिवाइज करते जाओगे तो फटाक से 10 मिनट में आपका रिविजन पूरा हो जाएगा कि ये है ग्रेविटेशन, इसमें 3 है कैपिटल लॉज, कौन से वो आप खुद से रिवाइज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो वैसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर चालू करोगे तो उससे पहले नोट्स एक बार रिवाइज कर दोगे 10-15 मिनट में, खत्म हो जाएगा आपका पहला चैप्टर, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट मैप या टी डायग्राम या आपको बहुत सारी डाइजेस्ट या फिर गाइड बुक्स होती है जिन पे आपको मिल जाएंगे, या फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हो कॉन्सेप्ट मैप ऑफ दिस चैप्टर, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है नोट्स बनाने का और रिविजन करने का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज डोंट डू रट्टाफिकेशन, यार साइंस में ज्यादा रट्टा नहीं चलता, तो बाकी सब्जेक्ट्स हो गए जिसमें आपको रट्टा चलता है बट बहुत काम करता है, लेकिन साइंस में नहीं। आपको साइंस यार कंसेप्चुअल चीज है, आपको अगर वो कंसेप्ट पक्का आता है, बहुत अच्छा आता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन उस कंसेप्ट से रिलेटेड सॉल्व कर दोगे।
क्योंकि यार ये बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है, आपका हिंदी इंग्लिश हो गया या फिर हिस्ट्री सिविक्स हो गया ज्योग्राफी हो गया, जिसमें आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो भी आपको 4-5 लंबे चौड़े पॉइंट्स वहाँ पे लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन साइंस में आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप सीधे 4 पॉइंट्स लिखोगे, जिसमें एक एक वर्ड भी लिखोगे ना तो भी आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस में आपके कंसेप्ट को वैल्यू होती है, आपने क्या अंडरस्टैंड किया उससे वैल्यू होती है। इसीलिए साइंस में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता, पढ़ना होता है लेकिन उसे कंसेप्टली अंडरस्टैंड करना होता है। मतलब पढ़ना तो आपको ठीक है सारे सब्जेक्ट की तरह बहुत सारा ही है, लेकिन उसे आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको लिखना ना बहुत कम पड़ सकता है, यानी बहुत कम राइटिंग में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो साइंस में। तो ये सिर्फ आप साइंस में ही कर सकते हो क्योंकि ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल होती है, और इसीलिए आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है ना कि रट्टाफिकेशन। ठीक है, तो ट्राई करें कि कम से कम रट्टाफिकेशन करें और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा करें। ठीक है, अब कुछ चीज़ें होती है जैसे डेफिनेशंस हो गई तो आपको वो तो रटनी ही पड़ेगी, लॉज हो गए तो वो सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी, लेकिन बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, पर लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए खुद का और उसे फॉलो कीजिए। टाइम टेबल यार हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो टाइम के साथ चलता है वो आगे टिक पाता है। ठीक है, तो यार प्रॉपरली हर चीज़ को मैनेज कीजिए, खुद का एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे ये दिन में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इतने इतने टाइम के लिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए उसे फॉलो कीजिए। ठीक है, तभी आप ये सारी चीज़ें इफेक्टिवली कर पाओगे। ठीक है, तो यार बस यही सारी चीज़ें मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार देखो कोई भी हो, चाहे होशियार हो या चाहे बहुत पुअर स्टूडेंट, मतलब स्टडी के हिसाब से बहुत होशियार हो या बहुत गधा हो, हर कोई स्टडी करता ही है, लेकिन ठीक कौन पाता है? जो स्मार्ट वर्क करता है। यानी कि आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी आप यार ऊपर जा सकते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क इन्हीं टिप्स की यूज करके आप कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क से अच्छा है स्मार्ट वर्क, है ना। और यार पढ़ाई ये तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि स्मार्ट वर्क वही अच्छे से कर सकता है जिसकी पढ़ाई पहले से ही अच्छी हो। तो अगर आप पढ़ोगे तभी आप अच्छे से स्मार्ट वर्क कर पाओगे, अपनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो यार इस वीडियो में अब यहीं पर रुकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो भी आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक भी कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से बाकी टॉपिक्स पे भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत से वीडियोस इस चैनल पे आगे आने वाले हैं, जिनकी नोटिफिकेशन आपको भी मिलती रहेगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।